किन्नर रहो बीरप्पा, मेरे को हाथ पैर बंद के मारा मारी कर लेके कलोकृति रोड को आगे ले जाके फेंक दिया। मैं बाद में ऐसा एक रास्ते से आदमी आ रहा था, वो आके मेरे को हाथ पैर छोड़ दिया, वहाँ से और चल लेते आया। एक ट्रैक मिले, वहाँ से ट्रैक मिलने के बाद इधर पुलिस स्टेशन आके हमारा ट्रांसपोर्ट वाला आके मैं आके इधर कंप्लेंट दिया। बाद में हमारा ड्राइवर साहब बाद में पता लगे, उन्हें आया, उन्हें आके और वो चोरा को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद गाड़ी माल सब मिल गया। तो ये हाथा पैरा बन के मारे आप लोगों को? हाँ, हाथा पैरा बन के हमारे साहब। तो लारी में से फेंक दिया? हाँ, लारी में ऐसे फेंक दिया। किसको किसको? मेरे को पहले फेंक दिया, बाद में हमारे ड्राइवर को अंदर ले जाके फेंक दिया। ये कैसा हुआ, कहाँ पर लारी लोग? जब पानी का फिल्टर टाके है ना, वहाँ से ऑटो लेके आया, दबाया बोल के अंदर चढ़े, पूरा आदमी अंदर चढ़ के मारा मारी कर लेते, हाथ पैर बंद लेके गया उधर। मेरा नाम वीरप्पा। हम स्वगता साहब किन्नर गाड़ी चला रहा था, तो क्या मेरा को मार दिया, उनको मार दिया, ढाकल के गाड़ी लेके चले कल कुर्सी रोड में फेंक दिया। पहले किन्नर को फेंक दिया, बाद में मेरे को 10 मिनट से आगे फेंक दिया। पुलिस वाला दूसरा आदमी आके फोन दिया, पुलिस वाला आके इधर पुलिस बुलाया। वर्णम हेलो नमस्ते चपंडी ఐడి కార్డు వాళ్ళ కంపెనీ తరపు నుంచి వచ్చిందండి, అంతా అసెంబ్లీలో ఉన్నామండి, కలుస్తాడు ఇది ఒక టెన్త్ అవర్ ये डकैती केस बहादुरपुरा लिमिट्स में एक डकैती केस हुआ है। ये 10th और 11th के बीच में रात को अराउंड 2-2:30 वो टाइम पे ये क्लाथ बेल्स लेके एक लारी आ रहा था, तो वो लारी को ये लोग अपने ड्राइवर और 8 एक्यूज्ड लोग मिलके ये लारी को स्टॉप करके ड्राइवर और क्लीनर को उसको ये करे और लारी को हासिल करे, और लारी के पूरे जो बेल होता है 28 लाख प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी सीज करके अपने एरिया में ले जाके एक फिर गोडाउन में रख लिए। और इसी केस में ये बहादुरपुरा का केस है, इसमें A1 to A5 बोल के गौस है, इसके पहले ये कारोबार में काम करा, उसको पूरा मालूम है कि कैसे क्लाथ आता है, कैसे जाता है, कैसे कारोबार चलता है, कौन से लारी में कितना मटेरियल रहता है। उस अंदाज से लोगों को इकट्ठा करके वो पूरा डकैती कर चुका है। बाद में अपना एक्शन डीसीपी बाबूराव, एसीपी राममोहन सर और इंस्पेक्टर तिरुपति रैना गारू और एसआई फैजुल्ला खान का क्राइम स्टाफ सब लोग मिल के इमीडिएटली इसको ऊपर इंफॉर्मेशन रखे। A1 to A5 आप जो एक्यूज को देख रहे हैं, ये 5 लोगों को अरेस्ट करें, पूरे प्रॉपर्टी को रिकवरी करें। इसमें 28 लाख 50 थाउजेंड का प्रॉपर्टी है, और जो लोग उनमें वो ड्राइवर और क्लीनर से जो सेल फोन स्नैच कर रहे थे वो भी रिकवरी करें। एक वेपन भी जो है ये भी सीज करें, ये लेके उनको ड्राइवर और क्लीनर को डराया था, उसको ये करके लारी लेके गए थे। ये लोग एरिया पूरे अपने आपको ये एड्रेस भी दिया गया है, इसमें एक A1 है तो बंडलगुड़ा है, दूसरा भी बंडलगुड़ा एरिया है, तीसरा जो है एक जहांगीराबाद, किधर का है तीसरा? जहांगीराबाद वो भी बंडलगुड़ा का। फोर्थ वन जहांगीराबाद का है, फिफ्थ बनना सहरान सहरान ना
और बाकी तीन लोगों का अरेस्ट करना है। मेन तो इसके मैंने बोले बोला है ना, एवन गौस को, गौस इधर काम कर रहा है, ये जो कारोबार रहता है ना, कैसे करते हैं, कितना क्लाथ आता है, कौन से लारी में आता है, कि ट्रांसपोर्ट पूरा बिजनेस के बारे में मालूम है, और लारी में कितना प्रॉपर्टी रहता है भी उसको मालूम है, क्योंकि उस अंदाज से मालूम करता है कि इसके पहले इसमें काम कर चुका है, तो कैसे कर सकते हैं, प्लान करके ये पूरा कर दिया। गाड़ी में कौन सा माल आ रहा है, गाड़ी में कितने माल हो सकता है, कितना करीब का हो सकता है, नहीं पहले नहीं करे, मगर सर काम करे थे, ये कारोबार में काम कर रहा था, वो लारी ट्रांसपोर्ट में इसमें काम कर रहा था, तो यही देखने के बाद मालूम हुआ कि इसको कर सकते हैं ऐसा, अगर एक बार हम ऐसा हासिल करेंगे तो 30 लाख का प्रॉपर्टी मिल जाता है, कैसा भी उसको बाज़ार में बेच सकते बोल के सोचा, मगर बाद में अपने लोग ना जो इन्फॉर्मेशन लगा है, जो मालूम होना वाला समझने वाला वही कर सकता है, नया वाला तो कोई नहीं कर सकता बोल के इसके ऊपर थोड़ा निगरानी रख दिया, और लारी और ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा निगरानी रख के तो इमीडिएटली अरेस्ट करे, मेन इंपॉर्टेंट 5 एक्यूज़र है उसको अरेस्ट करे, जो इनके हेल्प कर रहे थे, बाकी तीन को भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। बोले हमारे पैसे नहीं है, गरीबी है, लोगों के बहनों की शादियाँ है, बोले तो उस और एक दोस्त है मेरा, उन्हीं भी गाड़ी चलाता, उसको भी मालूम है गाड़ी में कैसा माल जाता क्या करता, उन्हीं देख के बोला चलो करेंगे पूरे मिल गए था, गरीबी तो भी जाती, एक चोरी करेंगे बोल के निकले साहब, लोग पूरे बैठ के प्लान डाले था, पूरे जितने करे ना उतने बैठ के प्लानिंग करे, हम लोगों को मालूम था, उन लोगों को दो जनों को मालूम था इसमें माल ऐसा जाता बोल के, वही बोलो ना था देख के पहचान सकते है गाड़ी कपड़े की बोल के, नहीं गाड़ी चलाता सब, हाँ नहीं किन्नर ही, हाँ हम लोग 5 आदमी है सब, 8 आदमी है, हो गया था।